हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, मैं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट बॉस। आज हम बात करने वाले वेनम 2 की। इतने दिनों के बाद भाई आखिर मार्वल्स वालों ने इसको रिलीज़ कर ही दिया। बहुत मज़ेदार है यार, इन्होंने रिलीज़ करा और हमने जाके देख लिया। भाई मजाक कर रहा हूँ, इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है बॉस। एक जो इसका जो नेगेटिव जो रोल प्ले कर रहा है, उन्होंने भाई अपनी माँ दादी और पापा को तीनों को निपटा डाला, सिर्फ इसलिए कि उनको उनकी फैमिली से प्यार नहीं मिलता है। मतलब हाँ भाई, एक बच्चे को अपने माँ से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इसके कारण बच्चे ने भाई तीनों को निपटा डाला। आप लोग मत करना ऐसा। उनको फैमिली को मारने के बाद वो चला जाता है हॉस्टल में, मतलब उनको भाई परेशान करता है। और वहीं पर मिलती है एक लड़की जो होती है उनकी कपल्स, जो बाद में कपल्स बनते हैं। और जब उनकी चीख जो होती है ना, वो बहुत कांटे की धार की तरह चुभती है भाई उसकी चीख। और उसकी चीख यार इतनी गंदी चीख होती है ना, जैसे गली के बच्चे की चीख होते हैं ना भाई, वैसी चीख होते हैं उनकी भी। और भाई इनकी जो स्टोरी है ना, वो बहुत मज़ेदार है। मतलब एक लव स्टोरी है। और दूसरी तरफ करें बात भाई वेनम की, तो वेनम तो यार वेनम है भाई, है कि नहीं। वेनम जो होता है भाई, वेनम की ही जो रक्त होती है, मतलब वेनम का जो खून होता है उससे बनता है भाई कार्नेज, जो दूसरा एलियन जो होता है रेड कलर का, वो बनता है। और यहीं से जो होते हैं ना स्टोरी, यार स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं बता दूँ आपको, बहुत सिंपल स्टोरी है। स्टोरी में ये होता है कि आप देखो, खाओ और आ जाओ, बस खत्म मूवी। वो भी बहुत दमदार है यार, उनकी जो जो फनी बातें होती है वो भी बहुत मज़ेदार है। आप लोगों को फिल्म ये बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, हल्के से भी बोर नहीं करेगी भाई फिल्म। ये पूरी फिल्म ऐसे पकड़ के रखेगी, जकड़ के बिल्कुल। और बात करें बॉस इसकी नेगेटिव करेक्टर की, तो नेगेटिव करेक्टर का तो यार उसका जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा शैतान वाला दिमाग है कि वो पूरे शहर को ऐसे निपटा सकता है भाई, बिल्कुल चुटकियों में। और उसको मिलता है भाई जो अपना एडी होता है, और जो दूसरा होता है उसका विलन होता है, वो भाई उनको बुलाते हैं कि आ मैं तुझे एक न्यूज़ दूंगा। और वहीं से भाई वो भी बहुत दमदार है यार। और यार इसके अंदर जो लव स्टोरी जो दिखाई गई है, जैसे जो अपना एडी का जो लव स्टोरी जो दिखाया गया वो भी ठीक ठाक दिखाया गया है। पर बॉस जो इसका जो मेन है ना, वो मेन है भाई इसका एक्शन बड़े मज़ेदार है भाई, विजुअल्स भी बड़े मज़ेदार है, और साउंड क्वालिटी भी मज़ेदार है भाई, बिल्कुल मस्त तरीके से हुआ है। और वो इसका ये है कि जैसे भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्पाइडरमैन का भी थोड़ा बहुत इसमें हल्का फल्का देखने के लिए मिलेगा, कि भाई कैसे वेनम स्पाइडरमैन के पास जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला भाई। एंड ऐसे हो गया जैसे बहता हुआ नाव किनारे पर जाकर रुक जाता है। बस ये मूवी एकदम फर्स्ट क्लास मूवी होने वाला है। आप लोगों को हल्का से ही बोर नहीं करेगा ये मूवी। मेरे ओपिनियन से ना भाई, ये मूवी सेंची के बाद मुझे ये मस्त मूवी लगा भाई, कि डेढ़ घंटे की फिल्म है यार, डेढ़ घंटे में आपको हल्का से ही बोर नहीं करता, और ऐसे निकल जाता है भाई डेढ़ घंटे, और पूरा मज़ेदार हो जाता है भाई डेढ़ घंटे में। तो बॉस यहीं तक था ये वीडियो, और आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। Thank you.